आरा शहर से सटे जमीरा गांव, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर प्रखंड आरा। ये तस्वीरें हैं जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बस कहने के लिए है। ना ही कोई डॉक्टर जल्दी मिलता है और ना ही मरीजों का इलाज हो पाता है। जहां वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इस तरीके की व्यवस्था से ग्रामीण लोगों में काफी भय व्याप्त है। जमीरा पंचायत के भरत यादव ने कहा कि गांव में कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनकी मौत कोरोना से हुई है या अन्य बीमारियों से। लोगों में इस बात को लेकर काफी दुख है कि ना ही उनके गांव में कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है और ना ही कोरोना का जांच किया जा रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि तीसरे लहर के लिए बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयार है, तो क्या यही व्यवस्था से तीसरे लहर की लड़ाई को लड़ा जा सकता है? यह तो पहला ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिले भर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा यही है, जहां ना तो चिकित्सक समय पर मिलेंगे और ना ही दवाएं मिलेंगी। एक साधारण सा बुखार का दवा भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जल्दी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लोग जब इलाज कराने आते हैं तो सोचते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो जाएगा तो उन्हें अस्पताल नहीं जाना होगा, लेकिन जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही इलाज ना हो तो उन्हें मजबूरन आरा के किसी अस्पताल या सदर अस्पताल में जाना पड़ता है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, ऐसे में लोग आ कैसे सकते हैं? आने के लिए सबके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो आप देखिए क्या कहना है ग्रामीण लोगों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर। आइए सुनते हैं उनकी बातें। व्यवस्था तो है, अपने आते हैं लोग, बोलते हैं लोग जाते हैं, लेकिन इस समय तो इन लोगों को ड्यूटी कोरोना काल में कम से कम कोरोना का जांच होना चाहिए। गांव में आज तक ले जांच नहीं हुई, इतना आबादी है, 20,000 का आबादी है गांव में। कोरोना का जांच वगैरह कुछ, वैक्सीनेशन वगैरह कुछ हो रहा है कि नहीं? कुछ नहीं हुई जांच हुआ तक ले जमीरा में, यानी जमीरा नहीं, जमीरा प्रखंड में कभी जांच। तो ऐसे में होना चाहिए कम से कम। तो लोगों को तो डर है ना कोरोना को लेकर, क्योंकि सारा लोग का डर है। मैं नहीं कोरोना पॉजिटिव हुआ था, एक महीना तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलता है? खुल रहा है, 11 बजे तक ले बैठते हैं लोग, सुनते हैं। यानी यदि शाम हो जाए, यदि उसे कुछ हो जाए, यदि रात हो जाए, शाम को 24 घंटा नहीं सेवा है, एक घंटा के लिए खुलता है। कम से कम 24 घंटा इसको खुलना चाहिए, सेवा मिलना चाहिए। कोरोना महामारी में सभी को तकलीफ होता है, आरा जाने में भी दिक्कत होता है। आरा में जाते हैं लोग, आदमी बेड नहीं है, बेड का वेंटिलेटर का वैसे ऑक्सीजन का सब कुछ का दिक्कत है। सरकार के इस पर विचार करके खोलना चाहिए 24 घंटा। तो अभी वाला हॉस्पिटल बना है उसमें निरीक्षण कर लीजिए, वो खोलना चाहिए, बेड उड का सब व्यवस्था है। बगल में एक नया बिल्डिंग तैयार हुआ था, वो तो लंबे समय से चल रहा है कि खोला जाए, अभी तो हम देखेंगे कुछ काम लगा है। तो अब चालू करना चाहिए सरकार को, इसलिए नहीं चालू करते हैं। सीएस को इसमें चालू करना चाहिए, कम से कम आदमी को तो राहत मिलता, कम से कम आरा जाना नहीं पड़ता। आरा जाते हैं लोग, बेड नहीं है तो इंजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर चालू होता तो कम से कम बेड उठ तो मिलता, अपनी इलाज विलाज होता। यहाँ भी कोरोना का जांच होता, बहुत अगल बगल से भी आदमी आते हैं। यानी कोरोना का कोई यहाँ अभी कोई जांच नहीं हुआ कोरोना के, वैक्सीन वगैरह कम से कम 20 आदमी तो मर चुके हैं, 15-20 आदमी आपके गाँव में, अपने गाँव में 15-20 आदमी मर चुके हैं, कोई इलाज नहीं। यानी 15-20 आदमी का नहीं, हॉस्पिटल में आ रहा टेस्टिंग यानी हो ही नहीं रहा है, नहीं टेस्टिंग नहीं होता है। तो जो लोग मरे उनको चिन्हित किया गया था कि क्या वो कोरोना ही था या कुछ अन्य? चिन्हित तब जांच कराते, तब जांच हो ही नहीं रहा है कोरोना पॉजिटिव के, तो कहाँ से जांच में उसको आएंगे कोरोना है। अब ले जाके दफना दिए आदमी, घर का आदमी, यानी डर का माहौल यहाँ कायम है। आरा डर के चलते नहीं जाते हैं, बेड उड नहीं मिलता है, आरा ताऊ जाने में दिक्कत भी है आदमी के। तो आप देख सकते बहुत सारे व्यवस्था है, भोजपुर में दूसरा स्थान सदर अस्पताल के बाद जमीरा अस्पताल ही आता है 2 नंबर पे, मगर यहाँ पर सभी व्यवस्था रहते हुए भी डॉक्टर की ना उपस्थिति, प्लस में डॉक्टर आए 1-2 घंटा खोले जैसे लग रहा है कि ट्यूशन का क्लास करा रहे होंगे। जिस टाइम में माँ बहन खाना बनाती है उस टाइम में डॉक्टर आकर बैठे, जब खाना उनका बनाना ख़त्म हुआ तब वो चले गए। तो बताइए किस टाइम में औरत जितने भी माताएँ बहन हैं यहाँ के लिए बहुत सारे व्यवस्था में कमी है। और जो नया हॉस्पिटल भी बना हुआ है, कुछ दिन पहले हमने सुना था कि ये बहुत जल्दी चालू होने वाला है,
मगर अभी तक उसमें कोई व्यवस्था नहीं हुआ। व्यवस्था तो अभी हो रहा है उसमें चालू होने के बाद, अभी सुनने में बेड उड लगा हुआ है, ये तो लगा हुआ है। यहाँ डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते? आते हैं तो अभी तो देख रहे हैं कि नहीं, आखिर देख के बताइए कि आते हैं कि नहीं आते हैं। यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, आते हैं तो टाइम से एक दो घंटा रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। मान लीजिए किसी को अचानक तबीयत खराब हो जाता है तो सदर अस्पताल जाने पर कभी ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो हर वाला वेंटिलेटर ऑक्सीमीटर वो नहीं मिलता है। एक दिन खुद हम अपनी नानी के को लेकर गए हुए थे, उनको चार घंटा बाद ऑक्सीमीटर मिला, वो भी 1000 रुपया दिए। तो यानी ऑक्सीमीटर तो बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हुआ। हम खुद किए हैं, उस तरह का व्यवहार किया है मेरे साथ। वहाँ का ऑक्सीजन देने वाले जो ऑक्सीजन कस रहा था वो 1000 रुपया हमसे लिया, बताइए। उसके बाद ऑक्सीमीटर दिया। तो ये स्वास्थ्य केंद्र यदि यहाँ डॉक्टर रहते तो ये तो स्थिति उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ना यहाँ जांच हो रहा है ना वैक्सीनेशन हो रहा है। अब तो मोबाइल वैन भी चालू हो गया टेस्टिंग के लिए, तो अभी आया कि नहीं आपके गाँव में? कुछ नहीं सर, अभी तक कुछ यहाँ नहीं आया, न किट आया है न वैक्सीन आया है। यहाँ पर अभी हाल ही का महामारी जो घोषित हुआ है, देखिए क्या नाम है, ब्लैक फंगस, अभी उसको भी महामारी घोषित कर दिया गया है। जी सर, हम पेपर में आज देखे उसका भी महामारी घोषित हो गया। अगर इस टाइम में हम लोग का हॉस्पिटल चालू हो जाए तो इस गांव के लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा, कि जिससे सदर अस्पताल यहाँ के ग्रामीण जनता को ना जाना पड़े। क्या नाम आपका? मेरा नाम रंजन कुमार यादव पड़ेगा। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चालू कर दिया जाए, लेकिन अभी तक जो नया जो बिल्डिंग बना है वो चालू नहीं हो पाया है। तो चालू स्वास्थ्य विभाग के जो भी मंत्री हैं उनको तो कहना चाहिए कि चीज़ कोरोना काल में चालू करना चाहिए, कि हर आदमी पब्लिक का कम से कम जमीनी रूप में सेवा मिलना चाहिए। यानी ये यदि यहाँ पर टेस्टिंग होता, यदि कोरोना वैक्सीनेशन होता और जो ब्लैक फंगस का एक महामारी घोषित कर दिया गया है और तीसरे लहर की बात की जा रही है, तो ऐसे में तो गांव पूरी तरीके से असुरक्षित हो गया है। नहीं है उसको, तो पहले सरकार को व्यवस्था कर, कम से कम बेड नहीं मिल रहा है, कहूँ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम नया वाला चालू करके इस तीसरा महामारी में आएंगे, कोरोना काल में तीसरा लहर के आएंगे, तो उसमें तो व्यवस्था सरकार को पूरा स्वास्थ्य विभाग के भी सोचना चाहिए, कम से कम व्यवस्था करे इस पर। अब नहीं काम ही करते हैं लोग सरकार, यानी स्वास्थ्य में जब फूल पकड़ लेता है तब लोग। एक मैं और बात कह देता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं और केंद्रीय मंत्री आपके आर के सिंह भी हैं और स्थानीय जो विधायक मंत्री वो तो कृषि मंत्री हैं, तीन मंत्री हो चुके हैं। और ऐसे में जिले का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी का हाल खस्ता है, तो ऐसे में कोरोना महामारी से जंग कैसे लड़ पाएंगे लोग? वो लोग के तो व्यवस्था जंग लड़ने के लिए करना चाहिए जो भी मंत्री है। कैसे लोगों का इलाज चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र? जो भी छोटा मोटा डॉक्टर है अपना इलाज लोग करते हैं, वो लोग घर कोरोना काल में भगवान हैं, लोग भगवान के रूप से वो भी ठीक कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग अच्छा भी कर रहे हैं। लोग हम लोग भी छुट्टी होता है, हम भी देखा यही दवाई चलाए 10 दिन, हम भी पटना से नाम कटवा के आए, कोई व्यवस्था में वहाँ लग देखे कोई छूने पर हाली फिर भी आदमी डरता है वहाँ भी। आपने मेरे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ के क्षेत्र के जनता के लिए आप एक एम्बुलेंस देंगे, तो ऐसे स्थिति में एम्बुलेंस देने से क्या फायदा होगा? क्योंकि आपने तो जब चालू होगा इसमें तो है नहीं कोई, चालू हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग, चालू हो जाएगा जब भी से चालू होगा हम, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा, सुधार जाएगा, हम ऑटोमेटिक मीटिंग एम्बुलेंस किंग के। लेकिन इस तरीके की महामारी में गांव के जनता काफी परेशान है, साधारण तबके के लोग तो बड़ी परेशानी है। मान लीजिए जो पैसे वाले हैं तो वो तो कहीं से काम चला लेंगे, लेकिन जो एक मिडिल क्लास का है जो रोज कमाता खाता है, यदि उसके परिवार में इस तरीके कुछ भी लक्षण आ जाता है उसके लिए तो एक उसको लिए तो दिक्कत है ही है। कम से कम यहाँ होता तो जांच होता भी, मदद भी करता आदमी, जानकारी भी चलता, जिधर जिधर जाके दिखा रहे हैं वही है कि अपना मेडिकल पर से दवाई लाकर गरीब लोग अपना जो भी है छोटा छोटा मेडिकल है अपना, वही भगवान है उसी भी से लाते हैं, 200-400 का अपना 500 का दवाई उसी से काम चला लेते हैं, लोग ठीक ठाक हो जा रहे हैं।